अनुभव आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि आपने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से बात की, उन्होंने ये तो बता दिया कि पिछले साल इसी महीने में 18,000 थे, इस बार आधे से कम है, लेकिन व्यवस्थाएं तो तब भी बदहाल हैं जो जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सब कुछ कागज पर हो रहा है अधिकतर। देखिए बिल्कुल, अगर हम आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक तो कुल जनवरी से लेकर नवंबर, आज 3 नवंबर है, अब तक 7,600 मामले ही आए हैं पूरे प्रदेश में डेंगू के। और अगर पिछले वर्ष के मुकाबले इसकी तुलना करें तो पिछले वर्ष अब तक 18,000 से ज़्यादा मामले आ चुके थे, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा मामले कम हैं। और सरकार ये कह रही है कि हमने जो प्रबंध किया डेंगू से बचाव का, उसका असर है। लेकिन आप देखिए, हम इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, लखनऊ का ये सरकारी और महत्वपूर्ण अस्पताल है, तमाम सारे मंत्री हों, अधिकारी हों, कहीं ना कहीं यहीं इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ डेंगू के लिए अलग से हमें पूरा वार्ड नज़र आ रहा है और तकरीबन 40 बेड वहाँ पर लगाए गए हैं। हम जब काउंटर पर पहुँचे तो आप देखिए, यहाँ चूँकि 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे, 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये काउंटर रहते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन होता है, मरीज आते हैं और उस समय तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। आम दिनों की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार OPD रोज होती है, लेकिन डेंगू की वजह से ये संख्या उसकी 1.5 गुनी हो गई है। यानी मरीज तो आ रहे हैं, बुखार के मरीज आ रहे हैं, तमाम जिलों से आ रहे हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और अलग अलग जिलों से यहाँ पर मरीज आते हैं। और हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ जो डेंगू वार्ड बनाया गया है वहाँ पर तो इंतज़ाम हमें ठीक नज़र आए हैं, पर इतना ज़रूर है कि देखिए, अभी लखनऊ की अगर आप बात कर लीजिए, जनवरी से लेकर अब तक केवल 1100 मामले हैं, सरकारी आंकड़े हैं, मौत कितनी हुई, सिर्फ 1 मौत हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। पर आप जब भी देखिए, अभी एक टीचर की मौत हो गई थी, एक 22 साल के युवक की मौत अभी हो गई थी एक निजी अस्पताल में। बिल्कुल अनुभव, आप सही कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़े जो होते हैं उसका अब उसका सच तो बिल्कुल गांव के इंसान को भी पता चल गया है कि क्या असल में उसकी हकीकत होती है। रतीश आपके पास आ रहे हैं, जल्दी इसमें मेहमानों के पास जाएंगे, कानपुर में क्या स्थितियां जमीन पर? देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद में स्थिति है वैसी स्थिति कानपुर में तो नहीं है। कानपुर की अगर बात की जाए तो जिला चिकित्सालय उर्सला में हम मौजूद हैं और डेंगू वार्ड के ठीक बाहर हैं। कैमरामैन पंकज निगम से कहूंगा कि वो आपको स्थिति दिखा दें। फिलहाल 12 बेड यहां पर हैं और 12 बेड्स में 4 पेशेंट जो डेंगू पॉजिटिव के हैं वो दिखाए जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज से कहूंगा कि वो अंदर की तस्वीर भी थोड़ी सी दिखा दें। यहाँ की कुछ देर पहले हमने DM विशाख जी अय्यर और CMO डॉक्टर आलोक रंजन से भी बात की थी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति फिलहाल यहाँ पे नहीं है। आपको बेड्स दिखा रहे हैं, ये डेंगू वार्ड है, 12 बेड्स यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन पेशेंट यहाँ पर जो डेंगू पॉजिटिव हैं वो 4 हैं और उनको बाकायदा जो मच्छरदानी और जो प्रिकॉशन लेने होते हैं उनमें रखा गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो इन पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से प्रिकॉशन लें। डॉक्टर साहब, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा रहा है यहाँ पे? सब मच्छर प्रिवेंशन के लिए सुबह शाम छिड़काव होता है और सबको मच्छरदानी प्रोवाइड की गई है और साथ में जो फीवर सस्पेक्ट है उनको अलग रखा जा रहा है और डेंगू जो कन्फर्म केस है उनको अलग रखा जा रहा है ताकि जो फीवर सस्पेक्ट है या अदर मरीज है उनको ना फैले। मरीज पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ज़्यादा तेज़ी से? नहीं, हफ्ते में ये लगा लीजिए 15 से 20 के बीच में 2 डेली पॉजिटिविटी रेट है। हालत कैसी है, मतलब गंभीर हो रही है क्या लोगों की? अभी तक कोई सीरियस डेंगू का मरीज इस हॉस्पिटल में नहीं आया है, सब नॉर्मल फीवर है, बिल्कुल नॉर्मल है। रतीश आएंगे आपके पास। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।